जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों, ये एक वीडियो बना रहा हूँ मैं छोटी सी आप लोगों के लिए। कुछ बदतमीज लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं। अभी एक ने एक मैसेज लिखा, इसे पढ़िए ज़रा। सर जी, आज आपने पहली बार टेलीग्राम चैनल पर कॉल दी, दोनों ही फेल हो गई सर, इसलिए कभी लाइव कॉल नहीं देते क्या सर जी? मैं तो आपसे सीखने के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ। मैं आपके चैनल को हमेशा फॉलो करते आ रहा हूँ, मुझे आपसे काफ़ी उम्मीद है सर। मेरी तो अब मार्केट में आस ही टूट रही है, किस पर भरोसा करें, क्योंकि अभी तक तो आपकी बातों पर ही भरोसा हो गया था। अब दो कॉल कौन सी मेरी फेल होगी, जरा समझाओ मुझे। या तो तुम्हें पढ़ना नहीं आता, अनपढ़ हो तुम। अब वो क्या चीज़ है वो देखो ज़रा, मैंने क्या लिखा था। एन जी 228 क्रॉस करेगा तो टेंशन देगा, अपने एडवाइज़र से पूछ कर राइट प्राइस पर सेल करना। इसका मतलब क्या होता है पता है? 227.30 का रेट चल रहा था, 28 जब ब्रेक हुआ तो उसके बाद वो ऊपर चला गया। यही कहना चाह रहा था ना मैं, अगर 228 टूटेगा तो टेंशन देगा, जो सेलिंग पे है उनके लिए वो टेंशन है। 228 टूटा, 232 कुछ का उसने हाई लगाया। मैंने लिखा कि राइट प्राइस पर सेल करना है, अपने एडवाइज़र से पूछो। राइट प्राइस क्या होता है समझ में आती तुम्हें? तुम्हें समझ नहीं आएगी क्योंकि तुम जुआरी हो, सट्टोरी हो। राइट प्राइस वो होता है जो मैंने तुम्हें अभी दिया है। और जब हम कॉल बना देना, मार्केट की हिम्मत नहीं है, हमारा स्टॉप लॉस खा जाए, ठीक है? 100 कितने पर दी थी? 231.30 पे सेलिंग दी है। स्टॉप लॉस मैंने ये हाई के ऊपर लगवाया। अभी रेट क्या चल रहा है ज़रा चेक करो। और दूसरा, ये कौन भाई साहब है? इसको मैंने ब्लॉक ही कर दिया, इसको बात करने की तमीज़ नहीं है। लिख रहा है क्रूड की रिकवरी कॉल दो भाई। भाई किस बात का यार, हमारी कौन सी रिश्तेदारी है? तुम्हें तमीज़ नहीं है बात करने की? SLB नहीं करते अपडेट, क्यों करें? मैं तुम्हारा एडवाइज़र हूँ, तुमसे पैसे लेता हूँ, कोई फीस ले रहा हूँ, या मेरा रिश्तेदार हो? एक व्यू दिया तुम्हें वहाँ पर, स्टॉप लॉस दिया है और बता दिया कि नीचे गिरेगा, वहाँ से वो 4,500 रुपये का प्रॉफिट दे रहा है, तो मैं तुम्हें गाइड करूँगा कि तुम बुक करो या नहीं करो? दोबारा इस तरीके के मैसेज नहीं आने चाहिए, और आज के बाद ऐसे मैसेज नहीं आने चाहिए, वरना यहाँ कोई कॉल नहीं देने वाला, कोई व्यू नहीं दूंगा मैं टेलीग्राम पे अगर इस तरीके के मैसेज आए तो। और ये व्यू मैं इसलिए देता हूँ कि मैं बता रहा हूँ टेक्निकल कैसे काम करता है, किस तरीके से चलता है, समझो इसको। तुम साला 10-10 हज़ार रुपये के तुम स्टॉप लॉस लगा लेते हो, यहाँ 2,000 रुपये का स्टॉप लॉस बनाया है, वो भी 2,000 का बन गया, नहीं तो 800-1,200 रुपये से स्टॉप, इससे ऊपर का स्टॉप लॉस नहीं बनता क्रूड में। वो चीज़ तुम्हें समझ नहीं आती, वहाँ से क्रूड नीचे गिर गया वो समझ नहीं आया तुम्हें, तुम्हें बस कॉल चाहिए। तुमने पता नहीं कितने टेलीग्राम चैनल ऐसे ज्वाइन कर रखे होंगे, कहीं कहीं से टिप ले लो, और ऐसे ही अपनी लाइफ को ना इसमें, इस जंजाल में तुम फंसे रह जाओगे और कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा।